असलकुम आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बायो पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायो एक्चुअली है क्या ये आई कहाँ से है इसका पर्पस क्या था साइंस का वर्ड तो आप सब ने सुना ही होगा वर्ड साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर अराउंड अस हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे साथ और भी बहुत सारी प्लांट्स हैं ये सब जो हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं यहाँ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं ये किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज़म्स अपनी फूड को हासिल करते हैं किस तरह वो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं किस तरह वो उसको यूटिलाइज करते हैं इन सारे प्रोसीजर्स को बेहतर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमारी जिस टॉपिक के जिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं साइंस साइंस बहुत एक वास्ट फील्ड है इसमें ये बहुत चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है किसी भी चीज़ से किसी भी मसले के अगर हमने स्टडी करनी है जैसे अभी रिसेंट कोविड आया हुआ था कोविड जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए एक डिज़ीज़ थी इसके फिर इसकी वैक्सीन के लिए जो है साइंटिस्ट uh, ने काम किया और वैक्सीन वगैरह बनाई तो वो जो सारे उसे बनने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे वो सारे जो जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक के अंडर किए जाते हैं उसको हम साइंस कहते हैं साइंस जो है साइंस जो प्रोसीजर्स के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किचन में कोई चीज़ बनानी है तो हम पहले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी हम वो ख़रीद के लाते हैं फिर हम उसको ए, वो उसको बनाते हैं सबको फिर हमारे पास आउटपुट आ जाता है एक खाना इसी तरह साइंस का जो सब्जेक्ट है इसको साइंटिफिकली देखें तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस पर ऑब्ज़रवेशनस करते हैं ठीक है डिफरेंट लैब्स में साइंटिस्ट जो हैं उस पर काम करते हैं ये काम सालों तक चलता है उसके बाद हमारे पास एक कॉन्क्लूजन आ जाता है एक आउटपुट आ जाता है एक रिज़ल्ट आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोरोना आया कोविड था कोविड से रिलेटेड उसको उस उससे प्रिवेंशन के लिए हमने डिफरेंट ड्रग्स ली होंगी उन पे एक्सपेरिमेंट्स किया होगा उन ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ ठीक है एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास एक वैक्सीन आ गई ये सारा जो प्रोसीजर हमने किया डाटा कलेक्शन का एक्सपेरिमेंट का ये सारा प्रोसीजर इसको हम साइंस कहते हैं इसको हम साइंस की फील्ड इसको हम साइंस कहते हैं इसको साइंस के सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं उससे हमारे पास आउटपुट आ गई वैक्सीन ठीक है ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको वैक्सीन की जब अर्ली स्टेजेस थे बहुत पहले साइंस की ब्रांचेस जो थी वो नहीं थी उसको डिवाइड नहीं किया गया था सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे सारी जो स्टडीज थी वो एक ही टॉपिक पे स्टडी की जाती थी जो साइंस था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज बढ़ता गया और हर चीज़ को एक साथ स्टडी करना मुश्किल हो गया तो साइंस को डिवाइड कर दिया गया ब्रांचेज में ठीक है साइंस को ब्रांचेज में डिवाइड किया गया था जिसमें से एक ब्रांच है बायोलॉजी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसको हमने स्टडी करना है और भी इसकी ब्रांचेस हैं जैसे केमिस्ट्री हो गई फिजिक्स हो गई इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन हमने इसको बायो को स्टडी करना है आज ये आपके सामने एक पिक्चर खुली हुई है आप इसे देख सकते हैं कि इसमें साइंस uh, की बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी है एस्ट्रोनॉमी है फिजिक्स है केमिस्ट्री है जियोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री है, है और इसमें से एक जिसको हमने स्टडी करना है वो है बायोलॉजी नेक्स्ट हम चलते हैं हब बायोलॉजी की डेफिनेशन पे बायो जो लव्स है वो एक ग्रीक वर्ड है ठीक है ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है बायोलॉजी वर्ड को अगर हम टू वर्ड्स में डिवाइड कर दें तो ये बायो एंड लोगोस बायो का मतलब होता है लाइफ जिंदगी ठीक है और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स uh, या फिर थॉट थॉट का नाम भी हम इसको दे सकते हैं ठीक है तो स्टडी ऑफ लाइफ इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो बनता है बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी जिस तरह साइंस को डिवाइड किया गया था बायोलॉजी में इस तरह बायोलॉजी को भी नेक्स्ट जो है वो डिवाइड कर दिया गया है ब्रांचेज में ताकि हमारे लिए आसान हो जाए उसको स्टडी करना ठीक है नेक्स्ट अब हम जाएंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन तो हमने देख ली है कि स्टडी ऑफ लाइफ बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास बायो की बहुत सारी डिवीजन्स और ब्रांचेज हैं ठीक है बायोलॉजी की तीन मेन जो डिवीज हैं पहले हम उनको स्टडी करेंगे दैट इज जुआलॉजी Second इज botany एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी Zoology. अब zoology आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जू जू का मतलब क्या होता है एनिमल्स तो फिर और वही अगला वर्ड लोगोस ये जू मींस एनिमल्स एंड लोगोस मींस स्टडी तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी जोआलोजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो जानवर हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं वो अपनी उनकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल वो किस तरह अपनी फूड हासिल करते हैं क्या उनकी ज़िंदगी में जो रोज़मर की उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या उनके लिए उन किस तरह उनके हालात को बेहतर बनाया जा सकता है इस चीज़ को जो है इसमें स्टडी किया जाता है और सारी स्टडीज जो रिलेट करती हैं एनिमल से उसको हम जोअलॉजी कहते हैं अब देखिए इस तरह हमारे लिए आसानी हो गई ना कि बायो में लिविंग ऑर्गेनिजम हैं तो जू ऑबली एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो फिर उनको एक फील्ड में डिवाइड कर दिया ठीक है वो जू जुअलॉजी अलग हो गई उसमें हम जो भी स्टडी करेंगे वो एनिमल से रिलेटेड होगी नेक्स्ट आ जाती है बॉटनी बॉटनी का वर्ड मीनिंग जो बॉटनी का लफ्स लवज, लफ्जी मतलब है वो होता है प्लांट्स अगर आप वर्ड बाय वर्ड याद करेंगे ना तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है प्लांट्स तो फिर स्टडी ऑफ जो प्लांट्स है उसको हम कहते हैं बॉटने अब इसमें प्लांट्स प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमें पता है कि प्लांट्स भी हमारी तरह सांस लेते हैं ठीक है तो इसके जो हम जुअलोज जो बॉटने हैं इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में कि उनका डेफिनेटली प्लांट्स में भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं डेली की बहुत जैसे वो हमारी तरह सांस लेते हैं उनकी डाइट उनके अंदर एक प्रोसीजर चल रहा होता है फिर उन, प्रॉपर उनका रिप्रोडक्शन भी होती है नेक्स्ट क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि उन्हें मेल फीमेल में भी डिवाइड किया गया अल्लाह तला की तरफ से तो उनकी जो सारी स्टडीज हैं उसको हम बॉटेंट कहते हैं नेक्स्ट आ जाती है नेक्स्ट थर्ड वन इज माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो का मतलब ये आपको पता है स्मॉल ठीक है माइक्रो मीन्स स्मॉल तो जो स्मॉल बैक्टीरिया कह सकते हैं हम ठीक है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी ठीक है इसमें हमारी जो छोटे जो कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो हमारी जैसे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं हमारे ठीक है एच टू ओ है वाटर का फॉर्मूला प्रोटीन है लिपिड्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सबको स्टडी करना इनके बारे में इंफॉर्मेशन हर चीज़ जो है वो आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह हमारी जो हमारे लिए आसानी ये हो जाती है कि हम इन चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं और आसानी से इनके बारे में समझ सकते हैं एक ही टॉपिक में अगर हम हर चीज़ को जैसे साइंस है साइंस में बहुत कुछ अब पढ़ा जा रहा है ठीक है जानवरों के बारे में पढ़ा जा रहा है प्लांट्स के बारे में पढ़ा जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जा रहा है ठीक है अर्थ पे जितने मसाइल्स हैं उनके बारे में पढ़ा जा रहा है और इन्वायरमेंट हमारा जो पोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं पढ़ा जा रहा है तो वो एक ही सब्जेक्ट के नीचे पढ़ा जाता था आज से बहुत साल पहले ऑब्वियसली इतना इतने ना ही इश्यूज थे ना ही इतने एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे ना ही दुनिया ने इतनी तरक्की की थी अब बहुत तरक्की करने के बाद हर फील्ड अपनी जगह पर बहुत वास्ट हो गई है उनको स्टडी करना मुश्किल हो गया तो फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर कंक्लूजन करते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता था इसीलिए फिर साइंस को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट टाइप्स में उनमें डिफरेंट काइंडस में डिफरेंट डिवीजनस में उसकी एक डिवीजन है बायोलॉजी बायोलॉजी की फर्दर डिवीजन है जोआलॉजी बॉटनी और माइक्रो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को एनिमल्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स उसमें किए जाते हैं ठीक है बांटने में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को एंड माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की जो स्मॉल माइक्रो मीन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं